होस्ट ऑफ द वन टाइम लिटिल गर्ल इतना डरावना है कि एना मेले भूल जाओगे। यहाँ तक हम शर्त लगाते हैं कि आपने सुनने कहने के माध्यम से सुना होगा कि चंदन नगर में एक छोटी लड़की का प्रेत बाधित है जो दर के सड़कों पर भटकती दिखाई देती है। खैर, यहाँ है लड़की और इलाके की डरावनी कहानी और उसकी गलियों में क्या होता है। डरावने होने के लिए आगे बढ़े और आज रात अपनी रोशनी छोड़ना न भूले। चंदन नगर की चहल पहल भरी गलियों को देखकर कौन कह सकता है कि रात के समय ये गलियां और भी भयावह मोड़ लेती हैं। हाँ, आप इसे पढ़ें, किसी से भी पूछें, चंदन नगर हमेशा पुणे में शीर्ष 10 प्रेत बाधित स्थानों की सूची में रहा है और यहाँ तक क्षेत्र में रहने वाले भी रात में 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने का दावा करते हैं। कहानी के मुताबिक इलाके में एक निर्माण स्थल पर हुए हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं छोड़ी और अभी भी उसकी उपस्थिति का एहसास कराती है। कई घटनाओं में लोगों ने फ्रॉक पहने इस छोटी लड़की की आत्मा को अपनी बाहों में एक गुड़िया के साथ सड़कों पर टहलते हुए देखा है। उसके पास एक शैतानी खून से लथपथ हंसी है जो आपकी हड्डियों को खड़खड़ कर सकती है और अगर कोई उसे देखने के लिए मुड़ता है तो वो चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ती है। यहाँ तक क्षेत्र के निवासी भी इन बालों को बढ़ाने वाली कहानियों पर भरोसा करते हैं और शायद इसलिए कि वे शाम ढलते ही अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करना शुरू कर देते हैं। यह जगह वास्तव में आपको लड़की के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक करती है और साथ ही साथ आपकी बुद्धि से डरती है। खैर, जो भी हो, अगली बार जब आप 12 के बाद क्षेत्र को पार करेंगे तो आपको शायद स्टील की नसों की आवश्यकता होगी।